हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटिविटी फॉर यू। आज हम 12-18 का कोलाज डिज़ाइन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जाएंगे, फाइल पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। इस तरह से हमारा ये ब्लैंक पेज ओपन होकर आ गया है। ऑल्ट के साथ हम दो बार आई को प्रेस करेंगे। इस तरह से टैब से ऐसे नीचे जाएंगे और यहाँ पर हम साइज देंगे 18, 12 और रेजोल्यूशन देंगे 200। ये हमारा 12-18 का साइज क्रिएट हो गया है। इसको हम इस तरह से लेंगे क्योंकि हम ऐसे बनाएंगे अपना कोलाज। ओके, अब हम यू प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर भी हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा रेक्टेंगल का। यहाँ से जाएंगे, यहाँ से हम कोई भी एक फ्रेम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने ये वाला फ्रेम सेलेक्ट किया है, अब हम पहले अपना फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से इस तरह से ड्रैग करेंगे, कंट्रोल के साथ हम एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा सर्कल चलने लगा है। फ्रेंड, आपको ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं पहले इसमें कोई एक कलर फिल कर लेती हूँ, फिर से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से इस तरह से हम ट्रैक करेंगे और ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, हमारा चारों तरफ सर्कल चलने लगा। कंट्रोल और ऑल्ट के साथ हम एंड प्रेस करेंगे, ये हमारी एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर ऑल्ट के साथ हम डिलीट प्रेस करेंगे, ये हमारी एक लेयर यहाँ पर बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें स्ट्रोक लगाते हैं, लेयर पे जाएंगे, लेयर स्टाइल में जाएंगे और स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे। शॉर्टकट की हमारी ऑल्ट के साथ ES प्रेस करेंगे तब भी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इससे हम स्ट्रोक वाइट कलर का लगाते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्ट्रोक इसमें लग गया है। ये तो फ्रेंड यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम इसकी एक और लेयर क्रिएट करते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। इसको हम करेंगे वाइट, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं और इसको दोनों को हम कंट्रोल ई के साथ हम लॉक कर देते हैं। ये देखिए, अब हम इससे अपना फॉर्मेट रेडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना एक सुंदर सा कोलाज का फॉर्मेट रेडी करते हैं। ये देखिए, इस तरह से अब यहाँ पर हम लगाएंगे इसको, एक हम इसको यहाँ लगाएंगे। दूसरा हम यहाँ लगाएंगे और तीसरा हम यहाँ लगाएंगे। अब हम इसको सेट करेंगे। अब हम तीनों लेयर को शिफ्ट दबाएंगे और इनको सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, हमारी सेलेक्ट हो रही है तीनों लेयर, यहाँ पर पता लग रहा है। अब इसको हम लॉक करेंगे कंट्रोल ई। अब इसे हम कहीं भी उठाकर ले जा सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इतना काफ़ी है। इसको भी फ्रेंड हम सेट करके और इसको लॉक करेंगे इस तरह से। अब हम इसको नीचे लेकर आएंगे।
इसको थोड़ा सा हम जूम करेंगे। यहाँ पर हम एक और फ्रेम लगाएंगे इस तरह से, इसको और इसको भी हम लॉक करेंगे। ये हमारा कोलाज का फॉर्मेट रेडी हो गया है। इसको भी हम इनके साथ लॉक कर लेते हैं। अब ये सारी फाइलें हमारी लॉक हो जाएंगी। ये देखिए, इन सबको मैं क्लिक कर रही हूँ। ये सारी फाइलें हमने क्लिक कर ली और कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मर्ज कर देंगे। देखिए ये यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, इसको मर्ज कर सकते हैं। और नहीं तो हम कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे, फिर भी ये हमारी सारी फाइलें मर्ज हो गई हैं, यानी कि हमारी लॉक हो गई हैं। तो चलिए हम इसमें अपनी पिक को सेट करते हैं। ये देखिए, हम इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे, इस वाले टूल पर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट के साथ बी प्रेस करेंगे। इसी तरीके से हम सारी पिक को अपनी इसमें सेट करेंगे फटाफट। हमें इसे पिक सेट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो चलिए हम पहले इसे पिक को सेट करते हैं ऑल्ट के साथ AX। फिर हमने उसी तरह से इसको सेलेक्ट किया। ये देखिए, इस तरह से। और इसके बाद मैं इसमें आपको हल्का फुल्का कलर करेक्शन भी बताऊंगी, पर कलर करेक्शन की मेरी और भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे, बैकग्राउंड में फेड कर देंगे इसको। इस टाइप का कोलाज, इस वाले फोटो को हमने हाईलाइट करा है, यहाँ से थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। नाइस। चलिए अपनी बाकी के पिक इसमें सेट कर देते हैं। उसी तरह से हमें ये ऐसे सिलेक्शन बनाना है और इसके अंदर फोटो को सेट करना है। अगर हम इस पे सिलेक्शन नहीं बनाएंगे और हम देखिए ऐसे ही कंट्रोल वी करके इस तरह से डालेंगे, तो ये वाली पिक हमारी ऐसी हो जाएगी। इसलिए हमें W टूल से सिलेक्शन बनाना होता है और कंट्रोल T से हमें छोटा करना होता है, यानी कि हमें सेट करना होता है। हमारी कुछ पिक रह गई हैं, बाकी हमारी सारी सेट हो गई। ये देखिए, लेयर हमारी बनती जा रही है, ये हमें दिखता जाएगा यहाँ से। हमारी 3 या 4 पिक रह गई हैं बस सेलेक्ट करने में, 3 या 4 पिक को हम और सेलेक्ट करके लेकर आएंगे। फिर मैं आपको पीछे बैकग्राउंड में किस तरह से कलर टोन दी जाती है वो भी बताऊंगी। अभी अभी तो हमने इसका फॉर्मेट रेडी किया था और उसमें हमने केवल पिक सेट करे हैं। इसकी बैकग्राउंड का कलर इससे मैचिंग वाला लें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी हम इसमें मैचिंग का कलर डालेंगे इसमें। हमारी एक लास्ट पिक बची है, इसको भी हम सेट कर देते हैं। ये देखिए, लास्ट पिक भी हमारी इसमें सेट हो गई है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं और अब हम राइट क्लिक करके बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से
ये देखिए कलर यहाँ आ गया, नहीं तो हम यहाँ से कोई भी एक कलर ले सकते हैं और इस तरह से यहाँ पे डाल सकते हैं। कंट्रोल यू करेंगे, इसको यहाँ से डार्क करेंगे, क्योंकि ये हमारी बैकग्राउंड का कलर लाइट है इसलिए हम इसको लाइट रखेंगे। कोई सा भी कलर देंगे हम इसका कलर लाइट ही रखेंगे। ये देखिए ये वाली पिक है हमारी, इसको हम थोड़ा सा अलग डिफरेंट कलर देते हैं। उसको हम थोड़ा सा इरेज और कर देते हैं। जूम करके हम पूरी बैकग्राउंड में अपनी ये वाला कलर लगा देंगे, इसी वाली पिक को लगा देंगे। गर्मी की वजह से सिस्टम थोड़ा सा स्लो है। इसकी बैकग्राउंड का कलर एक बार फिर से हम चेंज करेंगे। ये देखिए उसको हमने थोड़ा सा फेड और कर दिया है और इस कलर को हम चेंज करके देखते हैं। वाइट करते हैं, ये कलर टोन ज़्यादा बेहतर लग रही है। क्या ये हमारा 12-18 का कोलाज बन के रेडी हो गया है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching the video.